रायगढ़ में जग्गी और सोमू नाम के दो मित्र रहते थे। जग्गी और सोमू का बचपन साथ बीता था और अब दोनों जमींदार के खेतों में साथ साथ खेती करते थे। दोनों मित्र अपने अपने खेतों पर काम कर रहे थे, तभी उनका एक और मित्र गबरू भोजन लेकर आया और दोनों को आवाज लगाई। अरे भाइयों, जग्गी, सोमू, अरे जल्दी आओ भैया, मैं तुम्हारे लिए भोजन ले आया हूँ। दोनों आ गए और खेत में ही जमीन पर बैठ गए। गबरू, तू भी बहुत मदद करता है। अरे भैया, मैं कछु ना करूँ भैया, अब तुमने हमें सहारा दियो है, अब हम इतना तो कर ही सके है भैया, बाकी कछुआ करने लायक तो है ना। अरे ऐसा नहीं है गबरू, तुम हमारे मित्र हो भाई। हाँ हाँ, लेकिन तुम हमें सहारा दियो है, ये तो सची है, कभी कभी तो हम सोचे रहे कि हमें भी स्कूल जाना चाहिए। हाँ हंस लो भैया, हंस लो है, इसीलिए तो हम स्कूल से भाग आए है, क्योंकि सब हमारी लंबाई पर हंस रहे। हाँ हाँ, चलो आप तीनों भोजन करते हैं। हाँ भैया, जय हुई ना बात। जग्गी, सोमू और गबरू तीनों भोजन करने लगे। गबरू दोनों को अपनी बातों से हंसा रहा था। सोमू यार, मुझे तबीयत ठीक नहीं लग रही है। अरे कोई बात नहीं भैया, तू आराम कर ले। अरे नहीं यार, आराम कैसे कर सकता हूँ। अरे यार, आराम करके तुम हमसे कुछ कहा करो। हाँ गबरू, क्योंकि तू बहुत काम करता है ना, दिन भर इधर से उधर चप्पलें तोड़ते हुए घूमते रहता है और लड़कियों को तारता है। भैया तुम भी कुछ भी कह देते हो है, अरे मैं इतना छोटा हूँ, छोरी देख ही ना पाऊँ भैया। चल अब जा। सुमो भाई, मैं कर लूंगा यार काम। अरे भाई, जब तेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मरना है क्या? लेकिन आज नराई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि फिर पानी भी लगाना है। अरे कोई नहीं, मैं तेरे खेत का भी काम कर लूंगा और गबरू मेरी मदद कर देगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मित्र हो तो तेरे जैसे भाई। जग्गी ने तबीयत खराब होने का झूठा बहाना बनाया और फिर खेत में पेड़ के नीचे जाकर सो गया। सोमू और गबरू दोनों काम पर लग गए। बहुत तेज गर्मी थी, फिर भी दोनों अपने मित्र के लिए काम कर रहे थे। शाम को जग्गी सोमू और गबरू के पास गया और कहा, अरे तुम दोनों ने आज बहुत काम किया है, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है भैया? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ कि अब तुम दोनों जाओ और आराम कर लो। अरे नहीं नहीं, मेरे हिस्से के खेत में थोड़ा सा काम बचा है, मैं ये जरूर करूँगा। तुम दोनों ने मेरे हिस्से का काम किया, इसलिए मैं अब तेरा काम कर रहा हूँ, तुम दोनों जाओ और आराम कर लो। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, अरे अब जा भी है। जग्गी ने सोमू और गबरू को जबरदस्ती भेज दिया। दोनों पेड़ के नीचे जाकर सो गए। जग्गी अकेले बहुत खुश हो रहा था। अब आएगा ना मजा, जब जमींदार आएगा और ये दोनों सोते हुए मिलेंगे, वाह मेरी तारीफ होगी और बहुत तारीफ होगी। जग्गी खेत में सिर्फ दिखाने के लिए काम करने लगा और तभी थोड़ी देर में वहाँ जमींदार आ गया। जग्गी, तू अकेला काम कर रहा है, वो दोनों कहाँ हैं? वो अभी आ रहे हैं। कहाँ गए हैं? क्या हुआ, तुम मुझसे क्या छुपा रहा है? वो दोनों पेड़ के नीचे सोए हुए हैं, वो सुबह से सोए हुए हैं, मैंने अपने हिस्से का काम कर लिया है और अब मैं सोमू का काम खत्म कर रहा हूँ। अच्छा, मैं अभी सोमू को सबक सिखाता हूँ। तुम अच्छे हो, अपना काम ऐसे ही किया करो, ठीक है? जग्गी बहुत खुश हुआ, क्योंकि जग्गी ने अपनी गलती को सोमू के ऊपर डाल दिया था। सोमू सीधा साधा लड़का था। जमींदार ने सोमू और गबरू को जगाया। जमींदार साहब, आप क्यों बे? तुम काम चोरी कर रहे हो और मैं तुम्हें आकर पकड़ नहीं सकता क्या है? जमींदार साहब, सोते हुए चोरी कैसे कर सकते हैं बताइए, आप भी कुछ भी बोलते हो। माना कि हम कभी स्कूल नहीं गए, लेकिन हम सब समझते हैं भैया। नींद से बाहर आओ। वो तुम्हें आज एक पैसा नहीं मिलेगा, और अगर आगे से ऐसा कोई काम किया तो मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगा। तुम्हारे मित्र जग्गी को आज दोहरी दिहाड़ी मिलेगी,
क्योंकि उसने सारा काम किया है। जमींदार चला गया। ये क्या हुआ, मैं कुछ समझा नहीं, लेकिन मैं समझ गया हूँ भैया। क्या यही कि जग्गी भैया तुमको फंसा दिए हैं? हाँ, ये जग्गी बचपन से ही ऐसा है, मुझे फंसा देता है। मैं हर बार सोचता हूँ कि अब इसके चंगुल में नहीं आऊंगा, लेकिन मैं फिर दोबारा इसकी बातों में आ ही जाता हूँ। हाँ, लेकिन आगे से नहीं आइएगा। अब देखो जग्गी भैया इधर ही आ रहे हैं। हाँ ठीक है। जग्गी मुस्कुराते हुए आया। अब घर चलते हैं। क्या हुआ, मुझसे बात नहीं करोगे? वैसे मैं बता दूं कि मैंने कुछ नहीं किया है। तीनों घर वापस चले गए। एक सुबह जग्गी, सोमू और गबरू तीनों जा रहे थे, तभी रायगढ़ के राजा विक्रम सिंह के दो सिपाही आए और बोले, यहाँ सोमू कौन है? अरे हम तो गबरू हैं। सोमू भैया, ये दोनों में से कौन से हैं बूझो? हम सिपाही हैं और तुम हमसे मजाक कर रहे हो, अभी कैद कर लेंगे। क्षमा क्षमा भैया, हमारी जुबान फिसल गई, माफ कर दो। जी मैं सोमू हूँ, मुझे बताइए कि क्या हुआ? तुम्हारे पास कोई हीरा है? नहीं नहीं, मैं गरीब हूँ, मैं मेहनत मजदूरी करता हूँ। हमें तुम्हारी तलाशी लेनी होगी। अरे अरे, सोमू मेरा मित्र है, बहुत ईमानदार है, इसकी जेब में कुछ नहीं मिल सकता। इतना कहकर जग्गी ने सोमू को गले लगा लिया। हमें तलाशी लेनी होगी। हाँ हाँ, कोई नहीं, आप सोमू के साथ साथ मेरी तलाशी भी ले सकते हैं, सोमू चोर नहीं है। सिपाहियों ने सोमू की तलाशी ली और सोमू की जेब में हीरा मिल गया। आखिर हमारा संदेह सही था, तू ही चोर है। राज दरबार चल, ये राज खजाने का बहुत कीमती हीरा है और इसके साथ बहुत सारे हीरे जवाहरात हैं जो तुम्हारे पास ही होंगे। मैं चोर नहीं हूँ, मैंने ये हीरा नहीं चुराया। अच्छा, पकड़े जाने के बाद हर चोर यही कहता है। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। मुझे तो तुम्हें अपना मित्र कहते हुए शर्म आ रही है, तुम ऐसा करोगे? मैंने सोचा भी नहीं था, मुझे अब तुमसे कोई मतलब नहीं है, तुम चोर हो। सिपाहियों ने सोमू की बात नहीं सुनी और उसे पकड़ कर ले गए। गबरू की आंखों में आंसू थे, लेकिन जग्गी मुस्करा रहा था। आज सोमू भैया को सिपाहियों ने, तुमने एक कहावत सुनी होगी, जैसी करनी वैसी भरनी। सोमू भैया ऐसे बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और हाँ, हम एक और कहावत सुने रहे, इसकी टोपी उसके सर। अपनी लंबाई के हिसाब से बात किया कर, ठीक है ना, वरना तुझे भी तेरे सोमू भैया के साथ भेज दूंगा। जग्गी मुस्कुराते हुए चला गया। गबरू भी अपनी नम आंखें लेकर वहाँ से चला गया। सोमू को राज दरबार में पेश किया गया। राजा विक्रम ने सोमू से कहा, तुम दिखने में पढ़े लिखे और दयालु लगते हो, तुमने चोरी क्यों की? मैंने चोरी नहीं की। राज्य का बेशकीमती हीरा तुम्हारे पास पाया गया है, अब स्वयं बता दो कि तुमने बाकी खजाना कहाँ छुपाया है। मैं सच कहता हूँ कि ये हीरा मैंने नहीं चुराया, मेरे पास कुछ भी नहीं है। इसे कैद खाने में डाल दो, ये इसी लायक है। सिपाही सोमू को पकड़ कर ले जाने लगे, लेकिन तभी पीछे से जमींदार, गबरू और जग्गी आ गए। आपके कार्य को बीच में रोकने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन असली चोर को मैं पकड़ लाया हूँ। ये क्या कह रहे हो तुम, कौन है असली चोर? जग्गी, क्या ये कैसे हो सकता है? जग्गी हमारा खबरी है, इसने ही तो हमें सोमू के चोर होने की खबर हमें दी। पहले मैं भी यही समझता था, लेकिन अब समझ में आया कि जग्गी सबको अपनी टोपी पहना देता है। मुझे जग्गी पर पहले से ही शक था, बस कुछ दिनों से इस पर नजर रख रहा था, मैं कुछ समझा नहीं। पिछले दिनों जग्गी एक धन की पोटली लिए नगर में जोहरी की तलाश कर रहा था, मुझे ये मौका सबसे सही लगा, मैं नकली जोहरी का वेश बनाकर उसके सामने आया। अरे बरखुरदार, इतनी हड़बड़ी में कहाँ भागे जा रहे हो? श्रीमान, अभी मैं जल्दी में हूँ, नगर में किसी जोहरी की तलाश में जा रहा हूँ, मुझे कुछ धन बेचना है। अरे नेकी और पूछ, ये क्या भला, प्यासे के पास कुआं खुद चल कर आया है। मैं भी एक जोहरी हूँ, अगर तुमको कोई आपत्ति ना हो तो मैं खरीद सकता हूँ तुम्हारा धन। जग्गी ने बहुत सारे हीरे जवाहरात जमींदार को दिखाए। अरे बाप रे, इतना सारा धन, तुम्हारे पास ये सब कैसे आया? ए तुम आम खाओ, गुठली मत गिराओ, लेना है तो लो वरना मैं चला। तभी गबरू भी वहाँ आ गया और जमींदार अपने असली रूप में जग्गी के सामने आ गया, जिसे देख जग्गी घबरा गया। अरे जमींदार साहब, आप
क्यों भांडा फोड़ हो गया ना? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब तुम्हें इसकी सजा तो राजा साहब ही देंगे। जमींदार जग्गी को पकड़कर महल की तरफ चल दिया। अच्छा, मुझे अब समझ आया। सैनिकों, सोमू को छोड़ दो और इस दुष्ट को कैद खाने में डाल दो। क्षमा महाराज, क्षमा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई। उसी की सजा है ये, ले जाओ इसे यहाँ से। सोमू को छोड़ दिया गया। राजा ने सोमू को बहुत सारा धन दिया और उसे राज दरबार में काम भी दिया। सोमू और गबरू ने जमींदार को बहुत धन्यवाद दिया और फिर अपने घर चले गए और खुशी खुशी रहने लगे।